नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है जीके एंड जीएस से रिलेटेड, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से रिलेटेड 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड्स, 25 में से आपको जितने का भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर दिए हैं। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंक वीटल। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक वीटल ने किया था। और यदि हम बात करें जेम्स हैरिसन की, तो इन्होंने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। और यही बात कर लें हम ऑटो हन की, तो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया। और यही बात कर लें हम जेम्स वॉट की, तो जेम्स वॉट भाप इंजन के आविष्कारक हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको भी साथ में याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो आप ये भी याद रखें फ्रेंड्स। और अगर बात करें हम आयरलैंड की, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और यही बात करें अगर हम अमेरिका की, तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। और यदि बात करें हम दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। और इस प्रक्रिया को भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में रखा गया है, तो आप ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा। तो साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा दिया था भगत सिंह ने, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और भगत सिंह ने यह नारा कब दिया, तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद यह नारा लगाया था, तो आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर फोर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और वी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर फाइव है, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मरकरी को लोहे के धातु के पात्र में रखा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर एट है, गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो होती है 12% होती है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी। तो देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देश रत्न उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी थी, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर टेन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और यह किस वर्ष जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये डेट आप याद रखेंगे कि कब जोड़ा गया, तो 1976 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा होती है 0.4%, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए थोड़ी
डिटेल हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लें तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और यही यदि इनकी हम बात करें जन्म की कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल। और कब हुआ था तो यह 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और यही बात कर लें हम इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और यदि बात करें हम इनके माता के नाम की कि इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था माया देवी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि इन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया एक गांव था जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट आप इनके बारे में यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि दक्षिण यात्री जो था यह इब्न बतूता था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि हमारा यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। और यही बात करें हम कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू बस किया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आप ये याद रखें। और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आप ये फैक्ट याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद का निर्माण करवाया, यानी कि हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है, तो यह अजमेर में है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां अपने आप को कहता था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला चंगेज खां था। और चंगेज खां मुगल साम्राज्य का शासक था, तो आप ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोप का शहर किसका उपनाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। पोप का शहर रोम का उपनाम है और रोम के अन्य उपनाम भी हैं। सात पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है रोम को। रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का वेविलोन। तो इसके साथ आप इतने नाम और याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। और ये अमेरिका के रॉबर्ट पेरी ने 1909 कब की थी, यह 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। और यही यदि बात करें हम एडमसन ने दक्षिणी ध्रुव पर, यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे और यह 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। और बात करें अगर हम कापरनिकस की, तो कापरनिकस सौर मंडल की खोज की इन्होंने। और यही बात करें अगर हम केपलर की, तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इनके बारे में भी यहाँ से इतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है यह कानपुर को कहा जाता है। और यही बात करें हम कोयम्बटू की, तो कोयम्बटू को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत होना, अच्छे से ध्यान से इनको देखना क्वेश्चन को कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो यह कानपुर। और यही बात करें अगर हम कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं फ्रेंड्स। तो इनके बारे में आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामीनाथन समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। और यही बात करें अगर हम बेरोजगारी के अनुमान, तो इसका संबंध दांतवाला समिति से है। और यही बात करें अगर हम कर सुधार, तो राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। तो आप इसे भी याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का नहीं है? तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ। नृत्य जो है यह राजस्थान का नहीं है, छऊ लोक नृत्य उड़ीसा का है और बाकी सभी जो है यह गणगौर, झूमर, घपाल यह सभी राजस्थान के हैं, लेकिन छऊ लोक नृत्य उड़ीसा का है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में सभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस भारतीय खिलाड़ी को दावोल के उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को द बॉल के उपनाम से जाना जाता है। और यही बात कर ले अगर हम मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और यही बात कर ले अगर हम पीटी ऊषा की, तो पीटी ऊषा को उड़नपरी के उपनाम से जाना जाता है। और यही बात कर ले अगर हम सौरभ गांगुली की, तो इन्हें बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी आप फ्रेंड्स यहाँ से इतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, सपनों का अध्ययन कहलाता है? तो फ्रेंड्स सपनों का अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, विलियम यार्ड। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम यार्ड थे, तो आप इसे याद रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।